सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर अब तक जो भी विकास कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसी कड़ी में आज कानपुर के सर्किट हाउस में सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार की जन विकास कार्यों को लेखा जोखा रखते हुए कहा, आज़ादी के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने इतना विकास कार्य नहीं कराया होगा। उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं रहेंगे, ना भू माफिया रहेंगे, ना कानूनी माफिया रहेंगे। क्या है जितना बड़ा हो, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अपराधों में 70% की कमी आई। 1 से 50 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए, 1 से 50। 3,427 अपराधी घायल हुए हैं और 44,759 लोगों पे गैंगस्टर लगी है, जो इतिहास है। इतना बड़ा कभी गैंगस्टर लगी नहीं। और 630 अपराधी रासुका में निरुद्ध हुए हैं। 11,864 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। 11,000 उत्तर प्रदेश में अपराधी गिरफ्तार हुए। और जो सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा था, उनके अवैध कब्जे ध्वस्त करा दिए गए हैं। और मैं समझता हूँ 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मुक्त कराई, और इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग कैसे बेहतर हो, तमाम सरकारें घोषणाएं कर, लेकिन पहले मुख्यमंत्री हैं योगी जी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में पुलिस कमिश्नरी की स्थापना की। पहले में नोएडा और लखनऊ था, दूसरे में कानपुर और बनारस था। और पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, यानी हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं, ये है। और इसी बीच में आपने कानपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक और था कि जबरन धर्म परिवर्तन, उस पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया, पहला राज्य बना के लव जिहाद के माध्यम से लोगों को लव जिहाद में फंसा कर धर्म परिवर्तन किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये नहीं, और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शादी ब्याह करते हैं तो आप उसमें धर्म कोई बंधन नहीं, यानी धर्म परिवर्तन आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी सरकार ने तमाम काम किए, और आज महिलाएं स्वच्छंद रूप से केवल भूमि नहीं गई, महिलाओं ने उत्तर प्रदेश के उत्थान में और विकास में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया। और पुलिस की कमी थी तो हमारी सरकार ने 1,43,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई, और 76,000 अपराजित पुलिस कर्मियों की पदोन्नति भी हुई है। मुफ्त इलाज के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ऐसे तो कई मामलों में नंबर 1 पे कि हम खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पे हैं, दूध उत्पादन में नंबर 1 पे हैं, चावल उत्पादन में नंबर 1 पे हैं, चीनी उत्पादन में नंबर 1 पे हैं, लेकिन हम लोगों को स्वस्थ रखने में भी नंबर 1 है। उसका उदाहरण कोरोना का पीरियड है, आप देख लीजिए सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश और सबसे कम मृत्यु दर हमारे यहाँ, सबको निःशुल्क टीके लग रहे हैं, और हम टीकेकरण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। कानपुर से मोहम्मद अबुजर के साथ प्रज्ञा यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।